हेलो गाइस, वेलकम टू दिस बड़ी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी हॉलीवुड से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट के बारे में जो कि शायद आपको पता भी नहीं चले होंगे, और हमारी इंडिया में क्रिस हेम्सवर्थ आने भी वाले हैं। तो सारे अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले जुमानजी के ऑफिशियली कैरेक्टर पोस्टर लॉन्च हुए हैं, जिसमें कि डे जॉनसन और बाकी सारे कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। और ये सारे कैरेक्टर पोस्टर अगर आपको देखने हैं, फुल एचडी में डाउनलोड करने हैं, तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे पोस्टर काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं और इस मूवी का मैं काफ़ी टाइम से इंतजार भी कर रहा हूँ। अब बात करते हैं थॉर का एक न्यू लुक के बारे में। अभी हाल ही में कौन सा पार्ट लॉन्च हुआ जिसमें कि थॉर का एक नया लुक देखने को मिला? तो काफ़ी ज़्यादा बॉडी बना रखी है, पर बाल बड़े हैं, पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं इंडिया से रिलेटिव अपडेट के बारे में। तो क्रिस हेम्सवर्थ के सामने कुछ ये इमेजेस आई जिसमें कि उन्होंने अपना नया हेयर कट करवाया। फाइनली आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। क्रिस हेम्सवर्थ की नई अपकमिंग मूवी आ रही है जो कि है ढाका, जो कि इंडिया में शूट होने वाली है। और जैसा कि उन्होंने बोला था अभी हाल ही में जो अपडेट आया था कि वो लोग पूरी टीम क्रू मेंबर के साथ इंडिया में आने वाले हैं, और लोकेशन डिसाइड करी है मुंबई हैदराबाद, और ये शूटिंग 100% वहीं पर ही होगी। दोबारा से कोई दिक्कत होगी या फिर कोई भी परेशानी होगी इसलिए वो रीशूट कर रहे हैं। और हेलोवीन में जब क्रिस हेम्सवर्थ को देखा गया तो उनकी वही हेयर स्टाइल हमें देखने को मिली, तो 100% उन्होंने सिर्फ मूवी के लिए ये हेयर स्टाइल कट करवाया था। तो इससे ये कन्फर्म हो जाता है कि वो इंडिया में आ रहे हैं और पूरी तैयारी से आ रहे हैं। और भी कोई अपडेट होगा मैं आपको 100% ज़रूर बताऊंगा। अब बात करते हैं कॉमिक कॉन में अभी हाल ही में वर्ड्स ऑफ पैरी के कुछ आर्ट देखने को मिले जो कि काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। आप मेरे वीडियो में देख सकते हो बिहाइंड द सीन में, और साथ ही साथ अगर आपको ये आर्ट देखनी है और भी काफ़ी सारे आर्ट्स हैं जो कि मैंने सब अपने ट्विटर अकाउंट पर डाल दी हैं। अब बात करते हैं हिंदी अपडेट के बारे में। तो कौन कौन सी मूवी हिंदी में आ रही हैं? तो सबसे पहले जो मूवी आ रही है रेडी और नॉट, ये काफ़ी कमाल की मूवी है, ये हिंदी में कंफर्म हो चुकी है। इसकी रिलीजिंग डेट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरी टीवी सीरीज़ है वो है 30 Reasons Why, ये भी हिंदी में कंफर्म हो चुकी है, आप जाके देख सकते हो। और इसका जो भी अपडेट आएगा इन फ्यूचर सीजन से रिलेटेड मैं आपको 100% बताऊंगा। उसके बाद अमेजोन प्राइम की टॉम कैलेसी की जैक काफ़ी कमाल की टीवी सीरीज़ है, ये हिंदी में आ चुकी है, आप इसे भी जाके देख सकते हो। और देन साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा आगे सीजन का मैं 100% आपको बता दूंगा। उसके बाद हमारे ब्रैड पिट की एक काफ़ी कमाल की मूवी एट 18 जो कि सितंबर के महीने में रिलीज हुई थी, ये भी हिंदी में आ चुकी है, और देन फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगा मैं बता दूंगा। साथ ही साथ एविन आउट जो कि क्रिस एवांस की काफ़ी कमाल की मूवी है, इसको भी देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मूवी है। अब बात करते हैं मार्क रफेलो यानी उनका जो हल्क का कैरेक्टर है वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, यानी कि हमें और भी हल्क के फ्यूचर के रोल देखने को मिलेंगे जिसमें कि वो टीचर के तौर पर बच्चों को यंग एवेंजर्स को सिखाएगा। अब बात करते हैं मिस मार्वल से रिलेटिव अपडेट के बारे में। तो मिस मार्वल से रिलेटिव अपडेट ये आया है कि वो टीवी सीरीज़ में इनके लिए कास्ट देख रहे हैं, यानी कि एक फादर का रोल चाहिए, एक मदर का, एक सिस्टर का, एक ब्रदर का, तो इस टाइप की मार्वल स्टूडियो कास्टिंग कर रहा है जो कि शायद हो भी चुकी होगी अब तक, जो कि मैं अपडेट दे रहा हूँ। थॉर रैग्नारोक की फाइनली सेकेंड एनिवर्सरी बनाई जा रही है जिसमें कि हमें मार्क रफेलो, क्रिस हेम्सवर्थ और टाकेवाटी यानी कि थॉर के डायरेक्टर देखने को मिले। साथ ही साथ डेविड ने एक इमेज डाली है जोकर की जो कि एक डिलीट सीन है, और वो सुसाइड स्क्वाड 1 में काफ़ी कमाल का लग रहे हैं, और देन ये एक डिलीट सीन था जो कि अभी हाल ही में रिवील्ड हुआ। उसी के साथ डैनियल जिनकी जेम्स बॉन्ड अपकमिंग मूवी आ रही है और उनका एक फर्स्ट लुक नजर आया, काफ़ी कमाल का लग रहा है, और देन आप सब ये जानते होंगे कितनी कमाल की मूवी होने वाली है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4। ये टीवी सीरीज में नए कैरेक्टर कास्ट करे जा रहे हैं, और ये कैरेक्टर काफ़ी टाइम से मैं समझ रहा हूँ कि 4 या 5 कैरेक्टर होंगे जो कि अभी हाल ही में रिवील्ड हुए हैं। और साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर अवार्ड का एक बैनर बनाया गया है, जी हाँ, और देखते हैं कि ये मूवी बेस्ट पिक्चर बनती है या नहीं ऑस्कर विनिंग में। और इसी के साथ टॉम हॉलैंड ने एक नई इमेज डाली है चेरी की, तो काफ़ी डिफरेंट लुक लग रहा है, जिनमें बाल नहीं है, हाथ में बंदूक भी पकड़ रखी है, पर एक सुपर हीरो मूवी टाइप मूवी है तो उसको देखना ज़रूर। माइकल डगलास ने कंफर्म कर दिया कि वो एंडमैन 3 में रिटर्न हो रहे हैं, और साथ ही साथ इसकी शूटिंग जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी 2021 में, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ इस मूवी का जनवरी फरवरी तक। जोकर फाइनली 1 मिलियन क्रॉस कर लेगी, 900 मिलियन कम्प्लीट कर चुकी है, और ये मूवी ऑल टाइम फेवरेट है मेरी डीसी में। अगर आपने अभी तो कोई मूवी नहीं देखी है तो जोकर को ज़रूर देखना, आपका डीसी भी फेवरेट हो जाएगा। उसी के साथ रॉबर्ट पैट्रिसन ने कुछ इमेजेस डाली इंस्टाग्राम पर जो कि हैं प्रैक्टिस की, वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, बैटमैन के स्टंट कूदना वगैरह ये सब। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली, मार्वल स्टूडियो ने टेक ओवर करा अपना अकाउंट एंथनी मैकी को और सेबेस्टियन स्टैन को, उन्होंने खुद ही इस चीज़ को कंफर्म करा, और साथ ही साथ कुछ इमेजेस भी हैं सामने सेट की जो कि काफ़ी कमाल की है, पर अभी स्टार्टअप है। और भी काफ़ी कमाल के हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देखने को मिलेगी, शायद इस टीवी सीरीज में क्रिस इवांस भी होंगे, तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि इसमें हमें कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि एंथनी मैकी ने खुद ये चीज़ कंफर्म करी थी। उसी के साथ एक मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है जिसका नाम है हैलोवीन, तो फाइनली इसका प्रोडक्शन रैप हो चुका है,
और इस मूवी की रिलीजिंग डेट, और साथ ही साथ आपको तो पता ही होगा ट्रेलर भी जल्दी अपडेट आ जाएगा। और बात करते हैं फैंटास्टिक 3 की, तो इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और अटलांटा में, जॉर्जिया में इसकी शूटिंग चलेगी। और भी कई कई जगह इसके नाम दे रखे हैं, तो आपको पूरा पोस्ट पढ़ना तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाकर पढ़ सकते हो। साथ ही साथ पनिशर के जो एक्टर हैं वो बात कर चुके हैं मार्वल स्टूडियो से एक नए रोल के लिए, एक नए सुपर हीरो कैरेक्टर के लिए। अब कौन सा है अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। और एक नया अपडेट काफी कमाल का, बम्बलबी जो की स्टार है वो ज्वाइन कर रही है हॉकआई की टीवी सीरीज को। अब वो शायद कैट विवॉस का रोल प्ले कर सकती है, तो काफी कमाल का कैरेक्टर है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और देन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इन एक्टर्स की जो सोशल मीडिया होते हैं, जो कंट्रोवर्सी होती है, इस टाइप के अगर अपडेट जानना चाहते हो जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, तो मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करो। मैं इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं सुपर हीरो के अपडेट देता हूँ, पर ट्विटर एक इंटरनेशनल अकाउंट है तो इसलिए मैं वहाँ पे हर टाइप के अपडेट डालता हूँ कि वो हेलोवीन पे क्या कॉस्ट्यूम पहनते हैं या फिर क्या करते हैं अपनी रियल लाइफ में। तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट को जाके फॉलो करो जिस पे कि आपको सारे अपडेट मिलेंगे, और वीडियो में सिर्फ सुपर हीरो के अपडेट मिलेंगे हॉरर हॉलीवुड के। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर कर। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर उसके थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।